गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आगे हम एक नया सेशन लेकर आज हम लोग इसमें करेंगे 27th, 28th and 29th May 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो दोस्तों चलिए शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग हमारे वीडियोस में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं देखते होंगे कि उसमें कुछ वर्ड जो है पर्टिकुलर वर्ड का कलर चेंज रहता है। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? आप लोग हमारे पिक्चर कॉन्सेप्ट को तो जानते ही है, उसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब ऐसे मैं ये ऐसे पढ़ता हूँ तो उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो देता हूँ। कीवर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को अगर घुमा के भी पूछता है तो वो वर्ड्स आने ही चाहिए। वो क्वेश्चन का मेन वर्ड्स होते हैं। कोई भी करंट अफेयर्स का कुछ मेन वर्ड्स होते हैं और उसी को मैं कीवर्ड बोलता हूँ। तो क्वेश्चन में भी मैं उसको कलर चेंज करके देता हूँ ताकि आप लोग जब याद करें तो उसको भी याद रखें, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो आप उनका आंसर कर पाए। ठीक है दोस्तों, यही उसका कॉन्सेप्ट है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आएगा आपका द बूस्ट द चार धाम प्रोजेक्ट टू कनेक्ट हॉली टाउन्स। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज कंस्ट्रक्टेड अ 440 मीटर लॉन्ग टनल अंडर द चंबा टाउन ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट UT। तो चार धाम को और अच्छा करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक 440 मीटर का लॉन्ग टनल बनाया है चंबा टाउन में। ठीक है, तो ये चंबा टाउन कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है ये चंबा टनल आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है ताकि चार धाम को और अच्छा किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट व्हिच हैज गॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी। तो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे भी एक इन्फेक्शियस डिजीज का लिए अलग से एक आपका एरिया बनाया गया है? ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये है आपका शेराई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये आपका कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। कौन से इंडियन स्टेट है जिन्होंने की सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है? ये क्या है मैं बता देता हूँ दोस्तों। खेतों को प्रोटेक्शन करने के लिए एक सोलर सिस्टम लगाया जाता है, उसमें कि खेतों को चारों तरफ से घेर दिया जाता है ताकि जो जंगली जानवर है वो खेतों को फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ है, तमिलनाडु ने ये शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुनर हाट प्रोग्राम टू रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 विथ द थीम लोकल टू ग्लोबल। नेम द मिनिस्ट्री व्हिच कंडक्ट्स हुनर हाट। हुनर हाट एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके जो ट्राइब्स लोग हैं उनको जो चीज़ें बनाए जाते हैं उनको ये मार्केट में लाए जाते हैं और बेचा जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से शुरू किया जा रहा है, लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था, सितंबर से फिर से शुरू किया जा रहा है। थीम रखा गया है लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि हुनर हाट को कंडक्ट करता है? ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इसको कंडक्ट करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज पेंट द सॉन्ग टाइटल जयतु जयतु भारतम वसुदेव कुटुंबकनम कुटुंबकम। ठीक है, तो ये एक गाना है, तो इस गाने को किसने लिखा है? इसको लिखा है प्रसून जोशी। बहुत ही शानदार राइटर है दोस्तों, इनके जो लिरिक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसको इनको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द कंपनी व्हिच हैज लॉन्च द मॉडिफाइड PM व्या वंदना योजना पेंशन स्कीम रिसेंटली। कौन सा कंपनी है जिन्होंने की PM व्या वंदना योजना, जो कि ओल्ड एज लोगों के लिए है, उसी को एक मॉडिफाई करके एक नए तरीके से पेश किया गया है? ये है आपका
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनकी तरफ से यह फिर से लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक व्हिच हैज पार्टनर्ड विद मारुति सुजुकी टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट्स कस्टमर। तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने की मारुति सुजुकी के साथ मिलकर टाई अप किया है और उनको जो है कार के लिए फाइनेंस करेगा कस्टमर्स को, मतलब कस्टमर्स को पैसे देंगे कि आप मारुति सुजुकी से कार खरीदो। ठीक है, इसका आंसर है आपका ICICI बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ऑफ इंडिया इन लास्ट क्वार्टर Q4 ऑफ फिस्कल ईयर 20 एज पर SBI इकोवर्क रिपोर्ट। तो SBI इकोवर्क रिपोर्ट के अनुसार आपका जो GDP ग्रोथ रहेगा इंडिया का लास्ट क्वार्टर में, वो मतलब 2000 फिस्कल ईयर 2020 में वो कितना रहने वाला है, ये है आपका 1.2%। 1.2% का जो है SBI ने आपका अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। तो पहला कैसे इंडियन है पीस कीपर है, मतलब वो शांति दूत बोल सकते हैं, जिन्होंने जिनको कि UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है। कौन है ये, ये है आपका सुमन गवानी। ठीक है, ये देख सकते हैं इनको, सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हैज ओन द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, तो ये किनको मिला है इंडिया में, इनको मिला है, ये मिला है इनको राजीव जोशी को, राजीव जोशी को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द स्टार्टअप कंपनी व्हिच हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कौन सा स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने कि इंडिया का पहला ऐसा कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, तो ये है आपका वाम्स। वाम्स इनका फुल फॉर्म होता है विजिटर ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टार्टअप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द व्हाट्सएप वॉइस बोट विच वॉज लॉन्च बाई NBFC नेम्ड टाटा कैपिटल। तो व्हाट्सएप कौन सा ऐसा व्हाट्सएप बोट है, ठीक है, वॉइस बोट है जिनको कि NBFC द्वारा लॉन्च किया गया था, उनका नाम क्या है। ठीक है, व्हाट्सएप वॉइस बोट क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको कुछ पूछना है, आप वॉइस बोट आप कुछ पूछेंगे लिखेंगे या उसको उनको वॉइस भेजेंगे तो ऊपर से वॉइस से ही आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं व्हाट्सएप वॉइस बोट। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, ये इनका नाम है टिया, टिया नाम दिया गया है। और टाटा कैपिटल ये देख सकते हैं, ये है आपका अवंती बैनर्जी जो कि चीफ डिजिटल एंड मार्केटिंग ऑफिसर है टाटा कैपिटल के। ठीक है, पहचान लीजिए अच्छे से। ठीक है, हो सकता है ये भी पूछ दे स्टैटिक में कि टाटा कैपिटल का चीफ डिजिटल एंड मार्केटिंग ऑफिसर कौन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इस पिक्चर को ऐड किया है ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्यामला भावे हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए रिनोन्ड। श्यामला भावे हाल ही में उनका निधन हुआ है, वो किस लिए जाने जाते हैं, तो उनको वो वोकलिस्ट है, मतलब गाना गाते थे। ठीक है, तो एज ए सिंगर उनको लोग जानते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Researchers of Institute of Nano Science and Technology (INST) has found a route to fabricate physically controlled monostructure of desired geometry and location on 2D materials. Where is the INST located? INST का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, यह है आपका मोहाली, मोहाली पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नीचे डिटेल दिया हुआ है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार कम से कम पॉज करके वीडियो को नीचे डिटेल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फिश प्रोडक्शन टारगेट ऑफ इंडिया बाई 2024-25 एज पर फिशरीज मिनिस्ट्री। तो फिशरीज मिनिस्ट्री के द्वारा एक टारगेट रखा गया है 2024-25 तक कितने लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखा गया है, ये आपका रखा गया है आंसर आपका
220 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया है, तो 2024-2025 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लान व्हिच वाज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू मॉडर्नाइज द फिशरीज सेक्टर। तो कौन सा ऐसा प्लान है जिसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाया गया है ताकि जो फिशरी सेक्टर है उनको और मॉडर्न बनाया जाए, उनको आधुनिक बनाया जाए। यह है आपका स्वस्थ सागर। स्वस्थ सागर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच IIT हैज डेवलप्ड अ मैग्नीशियम एलॉय टू रिप्लेस द स्टील एंड एल्यूमिनियम इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है एल्यूमिनियम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है, और पार्ट्स बनाने के लिए। तो कौन सा IIT है जिन्होंने कि एक मैग्नीशियम एलॉय इस टाइप का मतलब आपका मटेरियल जो है बनाया है जो कि स्टील को रिप्लेस कर देगा। मतलब बोला जा रहा है कि ये स्टील के जैसा ही ताकतवर होता है, एल्यूमिनियम के जैसा, ठीक है, और उससे हल्का होता है। तो आंसर है आपका IIT दिल्ली। ओहो सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे गलत पिक्चर दे दिया है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, गलती हो गई है। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसका। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका आंसर मद्रास ही होगा, ठीक है, मैं भूल के गलत मार्क कर दिया है, इसका आंसर मद्रास होगा, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM इन जम्मू टू डेवलप RT लैम्प बेस्ड टेस्ट फॉर COVID-19। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन के साथ कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, और RT LAMP बेस्ड टेस्ट को डेवलप किया है। ये है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो तो आपके सबके पास है, ठीक है, मैं भी यूज़ करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द FMCG कंपनी व्हिच एंटर्स इनटू शेयर परचेस एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज फूड। तो कौन सा FMCG कंपनी है जिन्होंने कि आपका एक एग्रीमेंट के तहत 100% जो है इक्विटी शेयर्स खरीदा है सनराइज फूड में। ये है आपके ITC लिमिटेड, ठीक है, ITC बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, इनके होटल्स वगैरह भी है, बहुत ही शानदार बनते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर पावर मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू फंड 22,000 करोड़ ऑफ फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो आपका कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में जो है ये नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में बेस्ड है। तो जिसको कि 22,000 आपका फंड दिया जाएगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। ये है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनका ये लोगो है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाकी का भी जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म एक आध पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा आप पढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड वेबिनार ऑन बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट COVID-19 इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्राइफेड। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि बंधन योजना के ऊपर एक वेबिनार, मतलब ये होता है आपका वेब कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वेबिनार, तो इसको लॉन्च किया है। ये है आपका राजस्थान, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द पेमेंट बैंक व्हिच हैज पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू डेवलप अ स्पेशल टाइप ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन सच एज ए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन NFC टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स SMEs। तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने की एक इस तरीके का पेमेंट सॉल्यूशन डेवलप किया है जिसके तहत आपको छूना नहीं पड़ेगा, कॉन्टैक्टलेस होगा, ठीक है, फार्मर्स और SMEs के लिए। यह है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, इन्होंने इसको
या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैंगो डिपार्टमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट साइंड एमओयू विद फ्लिपकार्ट टू सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। तो मैंगो डिपार्टमेंट कौन से स्टेट का जो है, आम का जो एक डिपार्टमेंट होता है वो साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि मैंगो फार्मर्स जो है आम के किसान उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये है आपके कर्नाटका, कर्नाटका का गवर्नमेंट ने किया है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का रैंक कितना है जो सारे इंडिया के जो फिश एक्सपोर्टर्स है, मतलब वर्ल्ड के ज्यादा सारे जो फिश एक्सपोर्टर है उनमें जो है इंडिया का रैंक कितना है, ये है आपके सेकेंड। तो वर्ल्ड में सेकेंड है इंडिया का रैंक, ये आपके एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा फिश, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT हैज अप्रूव्ड टू सेल 50% स्टेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस IL&FS टू व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। तो नेशनल कंपनी ट्राइब्यूनल जो है वो अप्रूव कर दिया है 50% स्टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंस सर्विस IL&FS व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसके लिए आपका एग्रीमेंट मिल गया है, ये है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है 50% स्टेक खरीदेगा इस कंपनी में, ठीक है, IL&FS कंपनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिलीज द न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रंस बुक टाइटल बाय इकाबॉग रिसेंटली। तो कौन है जिन्होंने की एक बच्चों का बुक लिखा है द इकाबॉग, जिसको कि ऑनलाइन रिलीज किया गया है, ये है आपका जेके रोलिंग, ठीक है। जेके रोलिंग बहुत ही फेमस राइटर है दोस्तों, आप लोग पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, हैरी पॉटर जो सीरीज है इन्होंने ही लिखी थी, मैंने सारे देखे हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं मुझे हैरी पॉटर के सारे सीरीज, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो देखिएगा हैरी पॉटर की सीरीज, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्मश्री अवार्डी मुजताबा हुसैन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द रिनोन्ड ऑथर इन विच लैंग्वेज। तो मुजताबा हुसैन जो कि जिनको कि पद्मश्री भी मिला हुआ है, वो हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो वो कौन से लैंग्वेज के राइटर थे, वो थे उर्दू के लेखक, ठीक है, उर्दू में ये लिखते थे, ये पहचान लीजिए इनको, मुजताबा हुसैन, ठीक है। इन्होंने बीच में अपने पद्मश्री को वापस करने का भी बोला था गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर शनमुगम हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। आर शनमुगम, ठीक है, हाल ही में इनका बहुत नाम सुना गया था न्यूज में, तो ये कौन से खेल से संबंधित है, ये है आपके फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल है। हाल ही में इनका डेथ हो गया था, तो फुटबॉल ये कोच बहुत ही अच्छे कोच रह चुके हैं फुटबॉल के, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग्स बॉन्ड स्कीम RBI बॉन्ड्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड दैट वाज विथड्रॉन बाय गवर्नमेंट ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो RBI मतलब गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है उनमें कितने परसेंट रेट दिए जाते थे, ठीक है, जिसको कि बाद में उठा लिया गया है, ये है आपके 7.75%, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, पिक्चर पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। विच स्टेट हैज मॉडिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स रिकॉग्नाइज ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने की जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए जो नियम्स है उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, ठीक है, ये है आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल चिल्ड्रेन इन मॉन्ट्री पोर हाउस होल्ड एंड COVID-19 टेक्निकल नोट रिलीज बाई यूनिसेफ एंड सेव चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल बी ट्रैप्ड इन टू पॉवर्टी बाई द एंड ऑफ 2020। बोल रहा है ये कोविड के चलते जो है जो आपके बच्चे हैं वो कितने बच्चे जो है वो मतलब गरीबी के अंदर में और आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके यूनिसेफ के द्वारा ये एक नोट जारी किया गया है, रिपोर्ट जारी किया गया है, ये है आपके 672 मिलियन, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इतने बच्चे जो है गरीबी के अंदर में और ज़्यादा आ जाएंगे,
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $177 मिलियन टू अपग्रेड रोड्स इन व्हिच स्टेट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि उनको रोड्स जो है उनको और बेहतर बनाने के लिए $177 मिलियन जो है उनको मिलेंगे, ठीक है, दिए जाएंगे। ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, 177 मिलियन। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं। आपके अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाएंगे तो ये ज़रूर आने ही आने हैं, तो इसलिए मैंने इसको कलर चेंज किया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। RBI टू रेज 80,000 crore थ्रू CMBs। CMBs इज एब्रीविएटेड एज ए कैश डैश बिल्स। तो RBI जो है वो 80,000 crore आपका कलेक्ट करेगा CMBs के द्वारा। CMBs का फुल फॉर्म क्या होता है? CMBs का फुल फॉर्म होता है आपका कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है, ये फिलअप में जो है मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। CMBs का फुल फॉर्म होता है कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट बिल क्या होते हैं यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पिक्चर में ऐड किया है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल्स आर शॉर्ट टर्म बिल्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इमीडिएट कैश नीड्स। तो ये एक शॉर्ट टर्म बिल होते हैं जो कि अगर इमीडिएट पैसों की ज़रूरत हो, कैश पैसे की, तो इसके द्वारा वो किया जाता है। CMBs हैव ए मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 90 डेज। तो ये इनका जो मैच्योरिटी डेट होता है वो 90 दिन से भी कम होता है, ठीक है, तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंपनी व्हिच एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद LIC टू डिस्ट्रीब्यूट द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने LIC के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि LIC के जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है छोटे छोटे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब वही सेल करेगा। ये है आपका वकरंगी लिमिटेड। वकरंगी लिमिटेड, वकरंगी एक कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने ही LIC के साथ जो है वो आपका पार्टनरशिप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। द कारगिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी, मतलब यूनियन टेरिटोरी। तो जो फर्स्ट सोलर इरिगेशन प्लांट है वो कारगिल में स्थापित किया गया है। तो कारगिल कौन से स्टेट या यूटी में आते हैं? दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे ये पूछ सकता है कि जो फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट है वो कहाँ पे आपका स्थापित किया गया है? कारगिल पे, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। और या तो जैसे अभी पूछा गया है कारगिल कहाँ पे स्थित है, ये है आपका आंसर। सॉरी दोस्तों, यह आपका आंसर लद्दाख। लद्दाख में जो है ये कारगिल स्थित है। ये हम लोगों को तो सब कुछ पता है, लद्दाख का जो है ये फेमस झील जो आप लोग टीवी में या मूवीज में देखते होंगे, ठीक है, ब्लू झील, पूरा एकदम नीला कलर का होता है, बहुत ही शानदार लगता है। मेरा भी ड्रीम है यहाँ पे जाने का, वो भी कार राइड करके। देखते हैं कब तक पूरा होता है। दोस्तों अपने लाइफ में एक ड्रीम ज़रूर रखिए और कोशिश कीजिए उसको पूरा करने का। आप लाइफ में एक एम रखिए तो लाइफ आपको बहुत ही शानदार लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HIL इंडिया टू सप्लाई 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स टू व्हिच कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट अटैक। तो HIL इंडियन कंपनी है, इन्होंने 25 टन जो है पेस्टिसाइड्स कौन से कंट्री को सप्लाई करेंगे? ये है आपके ईरान। ईरान को सप्लाई करेंगे आपके 25 टन पेस्टिसाइड ताकि लोकस्ट अटैक जो हो रहा है आपके टिड्डों का हमला, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिल किशोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB रिसेंटली। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NDB रिप्लेसिंग KV कामत। तो अनिल किशोरा जो है उनको अपॉइंट किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में रिसेंटली एज ए वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हु इज द अपॉइंटेड एडेंट एट ए न्यू प्रेसिडेंट। तो किसको जो है NDB का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और जो पहले KV कामत था उनको रिप्लेस किया गया है? यह है आपका प्रेडो फ्रॉइजो।
ठीक है, प्रेडो ट्राइजो इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और केवी कामत को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरिंदर धूप बत्रा वॉज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन रिसेंटली, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ व्हिच स्पोर्ट्स। तो नरिंदर धूप बत्रा जो है उनको ओलंपिक चैनल कमीशन में, ठीक है, मेंबर बनाया गया है, और वो कौन से इंटरनेशनल फेडरेशन का जो है स्पोर्ट्स का जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये पूछा गया है, ये है आपके हॉकी, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो है वो इनके प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रिसेंटली। तो किसको जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया है जेपी मॉर्गन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रिसेंटली, ये है आपके लियोपुरी, ठीक है, लियोपुरी नाम है इनका, देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहित गुप्ता हैज बीन एलिवेटेड एज द को फाउंडर ऑफ व्हिच कंपनी। मोहित गुप्ता जो है उनको जो है कौन से कंपनी में एज ए को फाउंडर जो है नियुक्त किया गया है, ये है आपका जोमैटो इंडिया। ठीक है, इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, इसलिए मैंने ये फोटो को ऐड किया है ताकि आपको याद रहे। इनका नाम अगर आपको पता हो सोनू भाई, ठीक है, इनके जो स्माइल है बहुत ही फेमस हुई थी, इनका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ऐड किया ताकि आपको जोमैटो याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएफए ऑपरेशनलाइज इट्स सेकंड स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट इक्विप्ड विथ एलसीए तेजस MK1 रिसेंटली, नेम द एजेंसी व्हिच डिजाइंड दिस स्क्वाड्रन। तो ये आईएफएफ इंडियन एयर फोर्स को जो है सेकंड स्क्वाड्रन, इनका नाम है फ्लाइंग बुलेट, जो कि प्लेन्स उड़ाता है, तेजस प्लेन उड़ाते हैं। ठीक है, तो इनको डिज़ाइन किसने किया था, इस मतलब पूरे जो है स्क्वाड्रन, इनका जो एक टीम होता है, तो इनको किसने डिज़ाइन किया है, ये है आपका एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी, उनके द्वारा जो है ये टीम डिज़ाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो वर्ल्ड हंगर डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाते हैं आपके May 28 को। ठीक है, May 28 को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसरो हैज रिसीव्ड पेटेंट फॉर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डैश सॉइल रिसेंटली। तो इसरो ने जो है वो पेटेंट करवाया है कि एक मेथड को, जिससे कि वो मतलब मून का जो है सॉइल बना पाएंगे। ठीक है, ये आंसर इनका मून हो गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मून सॉइल रिसेंटली होगा। ठीक है, तो वो इन्होंने एक पेटेंट करवाया है इसरो ने। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा करने की, वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए, आप लोग स्वस्थ रहे, अपने सेहत का ध्यान रखें। ठीक है, और जय हिंद दोस्तों।